तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज है वेडनेसडे, तो एक और आईएफएल का एपिसोड नंबर 4 दिया है। दोनों की लाइनअप्स तुम पॉज करके भी देख सकते हो। भाई चलते हैं टॉस पे सीधा। मॉर्गन है इंग्लैंड के कैप्टन, इंग्लैंड ईगल्स और इंडिया इनविंसिबल्स के। तो भाई धोनी भाई तुम लोग को पता ही है, स्क्वाड सारी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई। और अभी कुछ चेंजेस हो नहीं सकते यार, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू हो चुका है कंपटीशन। टॉस जीत के धोनी भाई लेंगे बॉलिंग, क्योंकि ग्रीन पिच है, लॉर्ड्स पूरा मैच, इंग्लैंड का होम है। तो लेट्स गेट इनटू द एक्शन, बॉलिंग करेंगे भाई। तो चलो गाइस फर्स्ट बॉल डालते हैं भुवनेश्वर कुमार टू जेसन रॉय। एंड इंग्लैंड के 4 रिटायर्ड स्लैश लेजेंड प्लेयर्स हैं। भाई पहली बॉल पे ही चौका लग गया है इनसाइड एज का, नसीब नहीं है। हाँ तो इंग्लैंड के 4 रिटायर्ड स्लैश लेजेंड प्लेयर्स हैं, एलिस्टर कुक, केविन पीटरसन, ग्रेम स्वान एंड लायम प्लंकेट। मेरे ख्याल से मुझे ये 4 बेस्ट लग रहे थे। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में स्क्वाड देखो, क्या चेंजेस चाहिए इनके सामने जब वापस मैच होगा, क्योंकि डबल राउंड रॉबिन है, तब हम चेंज करेंगे। बता देना किसी जगह क्या चेंज करना है। अबे मिड विकेट पे चौका मार दिया इस बार यार, मतलब इज्जत ही नहीं है जेसन रॉय, व्हाट इज दिस। और इंडिया के वही सेम है लास्ट मैच वाले, सचिन भाई, जहीर पाजी एंड धोनी सर, साथ में युवराज सर। ओके सर, मतलब ठीक है, लेजेंड से भाई, रिटायर्ड प्लेयर्स हैं भाई। इस बार कवर ड्राइव मार दी, ये तो क्लासिक कवर ड्राइव थी। ठीक है, अभी इस पे चौका खाना भी अच्छा लगा मुझे। अरे और इनसाइड एज, और ये तो क्या मतलब, पूरी रगड़ की गई, कैच तक पहुंची भी नहीं, अब मैंने किया भी नहीं था, बट इस बार रिग्रेट नहीं हो, क्योंकि लग लग के गई है भाई। भाई जहीर बाजी दूसरे ओवर की पहली बॉल लेके आए और बाहर चले गए, सीधा छक्का खाया फील्डर के ऊपर से वो भी। भाई एलिस्टर को पहली बार आया स्ट्राइक पे, और भाई इनके लिए कहा जाता था कितने 10,000 रन बनाए थे, जितने भी बनाए थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, विदाउट अ कवर ड्राइव, ये कवर ड्राइव नहीं खेलते थे एलिस्टर को ओपी भाई। फ्लिक तो करते थे लेकिन मिड विकेट पे चौका भी मारते थे यार। और आज का सबसे बड़ा बैटल स्टुअर्ट ब्रॉड वर्सेस यूवी पाजी भाई, स्टुअर्ट ब्रॉड वर्सेस युवराज सिंह, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम लोग किसके लिए एक्साइटेड हो इस मैच में, एटलीस्ट वो बता दो यार, कमेंट कर दो फटाक से। एंड एज ऑलवेज 3000 लाइक्स की गोल है, सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई बेल आइकन के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई प्लीज, सेकंड लाइन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। और 300 कमेंट्स का गोल है। कुछ भी चेंजेस तुमको चाहिए नेक्स्ट मैच में इंडिया की टीम में, या फिर इनके सामने जब फिर से होगा तब क्या चेंजेस है, उसके लिए तो मैंने बोला ही कमेंट कर देना एक, तो बढ़िया से एकदम मस्त एक्यूमुलेट करके कमेंट कर दो। पूरे मैच को आउट ऑफ 7 रेट कर देना भाई, कैसा मतलब थ्रिलिंग था कि क्या। डिफिकल्टी दिखा देता हूँ मैं, वही अपने जो T10 के लिए बनाई थी फर्स्ट एपिसोड में, वही है देख लो, 150 100 100, विच इज मैक्स AI है, मोर देन लेजेंड इनटू 100। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सबका गोल भाई प्लीज कंप्लीट कर देना यार, प्लीज सपोर्ट हो जाएगा। चलो और बाय द वे जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ये तो मिड विकेट पे चौका है भाई, मैं बोलूंगा फर्स्ट एपिसोड देखो तभी पता चलेगा क्या हो रहा है, किस फॉर्मेट में हो रहा है। बाय द वे T10 OP फॉर्मेट है, जिसमें एक फ्लोटिंग पावर प्ले एक ओवर का 5 से 8 ओवर्स के बीच में ले सकती है बैटिंग टीम, जिसमें सिर्फ 3 प्लेयर बाहर रहेंगे एंड बाकी फर्स्ट मतलब पहले 3 ओवर्स के लिए 2 प्लेयर बाहर, वो तो नॉर्मल पावर प्ले जो T20 में 6 ओवर का रहता है, एज ये T10 उसका आधा तो पावर प्ले भी आधा है, बस एक फ्लोटिंग पावर प्ले एक्स्ट्रा है। और ये खेलते हैं हम पिंक बॉल से, हम पिंक बॉल से तो भाई कितने साल हो गए, 2019 से खेल रहे हैं कोई ना कोई सीरीज, मजा आता है भाई, स्विंगिंग ज्यादा होती है और लॉर्ड्स पे वैसे ही मैच हो रहा है, हरी पिच पे अभी तक तो मस्त स्विंग हुई है। एलिस्टर कुक भाई सिर्फ कवर ड्राइव नहीं है उनके पास, ठीक है, बाकी हर तरह की ड्राइव है, फ्लिक ड्राइव है, करियर ड्राइव है, 2 रन 3 रन आ गए भाई, ठीक है चौका ही मार देते फिर, 32 हो गए 2.4 में, आगे देखो कितना होता है अभी। एनी प्रेडिक्शन अभी कमेंट कर सकते हो। एंड सबसे पहले अभी क्या करना है तुम लोग को, फटाक से एक बार लाइक करना है भाई प्लीज, लाइक गोल कंप्लीट करने में थोड़ी मदद हो जाएगी, एंड सब्सक्राइब करना है बेल आइकन के साथ। एंड थैंक यू, 177K भी हो गए थे अपने कल, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट एज वेल। और इंस्टा पे फॉलो कर लो, सेकंड लाइन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये ब्यूटीफुल बॉल स्विंगिंग बॉल के लिए फटाक से यार फॉलो कर लो, उधर भी बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके, और फटाक से ऑफ फुल स्क्रीन करो और मेरे साथ एंजॉय करो क्रिकेट 22 में IFL का एपिसोड नंबर 4, इंग्लैंड ईगल्स वर्सेज इंडिया इनविंसिबल्स। मजेदार भाई, ये ले खाया चौका, नहीं चाहिए खराब बॉल पे बच चुका हूँ, कोई नहीं, और कमेंट पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में करना आराम से, अभी फुल स्क्रीन करके एंजॉय करो। चल इंटू दी अटैक, मैंने सोचा थोड़ा अटैक करते हैं, फील्ड थोड़े 3 प्लेयर ही बाहर रखता हूँ, करियर 3 हो गया, मार दिया चौका भाई, मैंने लेंथ खींची तो भी उसने बोला रुको हम छक्का मारेंगे, और क्या कैच की अपॉर्चुनिटी, ओ नहीं, ओके 6 है, जड्डू जॉर्ज को लाए थे तीसरी बॉल पे खा लिया छक्का, और 50 रन हो गए 4.3 में भाई, 150 का टारगेट दोगे क्या भाई। फिर से मैंने लेंथ खींची और फिर से छक्का मारा, इस बार मैंने तेज डाली थी कि स्टंप हो जाए, करियर स्टंप गया, चौका नहीं छक्का, नशे हो गए। अबे भाई एलिस्टर कुक भी बाहर निकल के मार दिया, अरे गलती हो गई भाई आपके पास है कवर ड्राइव, बुरा मान गए क्या, क्या चल रहा है भाई, एक तो रॉय का टॉय नहीं थम रहा, आप भी थम नहीं रहे, अरे रुक जाओ भाई, ये भी छक्का खत्म, ये
कट भी है इनके पास, तो भाई ड्राइव भी खेल लो, कवर ड्राइव भी मार दो उस पे भी छक्का। चलो भाई फर्स्ट टाइम एवर युवराज सिंह से बोलिंग। लोगों ने बहुत कमेंट किया भाई तू तो युवराज और हार्दिक पांड्या से बोलिंग क्यों नहीं करवाता है, जबकि चहल और जड्डू मार खाते तो भी लो भाई करवा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। अबे कौन सा एक्शन है, अरे भाई नाइस, बहुत बढ़िया, युवराज सर के आते विकेट मिल गया। इनको गोल्डन आर्म कहा जाता था, ओरिजिनल गोल्डन आर्म। बे यार ग्रीन पे डायरेक्ट नहीं लगाया, लहसुन गेम। ले भाई अब मार दिया डायरेक्ट, बुमराह ओपी भाई, ये क्या था। और उनको लगा ओवरथ्रो होगा तो भाग रहे थे रन एक और। भाई युवराज सर आया और विकेट, भाई डायमंड आर्म गोल्डन आर्म जो भी बोल लो, युवराज पाई ओपी यूवी पाई, बहुत बढ़िया। जड्डू सर का ओवर कराया भाई तो मैंने, जड्डू जॉर्ड का रॉय गॉन, छक्का भी खा लिया, क्या छह सकता क्या भाई यार, घुस जाते पैरों में। भाई आज हम पावर प्ले ओवर डलवाएंगे जसप्रीत बुमराह से, लास्ट ओवर भूवी डाल लेंगे और जहीर पाई बीच में एक ओवर डाल देंगे। यार ये तो पिलने वाले भाई एक ओवर में, तो चलो बुमराह बचा लेंगे तो भी फील्ड लगा ले, तो एक तीन फील्डर वाली तो लगा सकते हैं। भाई पावर प्ले की पहली बॉल पे गैप में पुल किया लेकिन नहीं चौका नहीं जाएगा, दो रन की तीन, कितने भाग गए ब्रो, दो ओके भाई। भाई फिर से रन आउट, इस बार जहीर पाई, भाई ये क्या हो रहा है, फास्ट बॉलर्स का आम इतना खतरनाक होता है, मेरे को पता था लेकिन इतना हैकर टाइप का होता था ये नहीं पता था। भाई हल्का सा उसको ओवर थ्रो, भागा, रन आउट, बहुत सही। केविन पीटरसन पहली बॉल खेल के आउट हो गए, खत्म करियर ही और। वाह भाई कवर ड्राइव नहीं खेलते तो एज लगा के कवर्स पे मार देते हैं, ये कर देना रन आउट जो। वाह बुमराह भाई जॉर्ड वैसे रन आउट नहीं हो रहा था लेकिन आउट। प्लम भाई मॉर्गन पहली बॉल गोल्डन टक मॉर्गन, नहीं अबे आउट है एम्पायर। भाई रिव्यू लेंगे भाई हम, भाई पंड्या क्यों सिग्नल कर रहा है, अच्छा धोनी भाई ने बोला था ठीक है। नहीं भाई अरे रिव्यू गलती से ले लिया यार, ना डिजिटल राहुल सिस्टम था ना धोनी रिव्यू सिस्टम था, ठीक है पंड्या ने ले रहा था रिव्यू इसलिए सही नहीं हुआ। चलो जान बंद करो, बंद हटाओ भाई, नहीं नहीं है भाई अंपायर कॉल, तो भाई रिव्यू दे वापस, नहीं दिया भाई यार आउट, हट यार मिसिंग बोलता है। अरे गलती से फुलटा चल के कैच दे दो, ओ रोक ली, अबे पकड़ भाई तीन नंबर, अबे रहना बे कौन यार, अबे वाह गजब भाई गजब, अबे स्लोवर जो और करती मॉर्गन चीचा, छक्का मार दिया भाई यार, शॉर्ट बाउंड्री चुनता है भाई चीटर। अरे भाई बच गए सचिन भाई, शॉट इजी कैच, फ्लैटेस्ट कैच है एवर, छोड़ मत देना, इतना लो कैच भाई। पंड्या ओपी भाई देख रहे हो, मुर्गा कौन मॉर्गन कौन, खा लिया छक्का एक और भाई, नौ ओवर में 106 पे तीन, जो भी था अपनी टीम के लिए पूरे चार रन बचाए भाई, तुम्हारे बैटिंग में जीरो बॉल पे फोर रन से भाई, जो भी थे तुम ओके। बुमराह ये भाई ठीक है, बुमराह अब तो बेस्ट ऑलराउंडर हो। अरे यार मैंने सर पे डाली थी बाउंसर भाई, गेम सर ये होता है, बटुंदर आते ही चौका। अबे नहीं, अरे भैया नहीं, अबे भूवी भाई क्या कर रहे हो, ये तो प्रॉपर स्लोवर यॉर्क कर दी, बैक ऑफ द एंड छक्का, हाँ हुए ना बीट, कैच इजी कैच, यॉर्कर खोद के निकाल रहे थे, बहुत अच्छा कैच। पॉइंट पे कौन है, पॉइंट पे युवराज सर के अलावा कौन हो सकता है, युवराज ये ना भाई मैंने रखा वही था और रियल में वही रहते थे, एक सेकंड, हाँ ओके इजी, युवराज सिंह बोल्ड बाय बोवे, गॉड बाय युवराज सिंह भाई। किंग कोहलीज फ्रेंड इज हियर बेन स्टोक्स, स्कैमर। चलो लास्ट बॉल 118 मार दे छक्का भाई, अबे सही में नहीं बोला था यार, यार लहसुन गेम, लास्ट दो बॉल में सेम स्कैम किया है, 125 चेज करने ग्रीन पिच पे अगेंस्ट ब्रॉड प्लंकेट, स्वाद डेविड विली भी है, डेविड विली इसलिए खेल रहे क्योंकि मैंने हर टीम को एक लेफ्ट आर्म पेसर का वेरिएशन दिया है। कोई नहीं, वी गॉट रोहित शर्मा, सचिन पाजी बिना बैट के स्टिकर का और स्लो मोशन में क्यों आ रहा है, लास्ट बॉल पे स्लो मोशन ग्लिच हो गया था, अब मुझे बंद करके बाहर जाके आना पड़ेगा भाई, प्लीज सिमुलेट मत कर देना करियर मोड, जैसे भाई प्लंकेट डालेंगे पहली बॉल स्लो मोशन प्लंकेट, अरे यार मैं आता हूँ भाई इसको बंद करके, स्लो मोशन में तो खेला नहीं जाएगा हमसे भाई साहब, क्या गजब गेम है यार। पहले एक बार थोड़ा सा रन अप, नहीं सही हो गया, सिर्फ वहीं था, ओके ओके सही हो गया सही हो गया, चलो नहीं बंद नहीं करना पड़ा। पहली बॉल पे चौका भाई, खराब बॉल स्ट्रेइंग डाउन द लेग में भाग बे, ओके चौका मिल गया ठीक है, अच्छा डिसेंट स्टार्ट, इन दोनों को वापस 50 की पार्टनरशिप करनी होगी, चौका बोले तो नहीं जान दोगे, ब्रॉड क्या दुश्मनी भाई, तीन रन आए
जान दो यार, सब सब स्क्रैच करो भाई, तीन ही आए। क्या पहला चौका है? नहीं सचिन सर, कितना भी अच्छा शॉट मार लो, गैप नहीं मिलने वाली गेम्स के में। हाँ हाँ, ये तो शॉर्ट बाउंड्री चुनी रोहित ने यहाँ पे, और बहुत अच्छा चौका, बॉल जल गई भाई पैरों में। अबे स्लोअर पहले ओवर में, ओके प्लंकेट यूज टू बी अ T20 बॉलर एज वेल। ले भाई, अभी इन्हें रिटायरमेंट बाय द वे ले ली है, अगर जिसको नहीं पता है, इंग्लैंड की टीम से कहीं और खेलने चले गए इस वजह से, बाकी एज भी हो चुकी है आई गेस। मतलब मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना भाई, मैंने ऐसा गूगल पे पढ़ा था, इस वजह से मैंने खिला लिया। और स्ट्रेट ड्राइव भाई, पिछली कवर ड्राइव और ये स्ट्रेम्ड ड्राइव, ए पिछली कवर ड्राइव नहीं शायद स्क्वायर ड्राइव थी भाई, पहले ओवर से 18 रन आ गए विदाउट अ सिंगल लॉफ्टेड रिस्की शॉट। ओके अबे मैंने लॉफ्टेड तो खेला ही नहीं था, चलो ठीक है खेला था, चौका मिल गया, खेला था, यस मैंने ही खेला था, बढ़िया ठीक है, इस बार तो सही में खेला था भाई, सच्ची में खेला था, चौका भी मारा है, छक्का मारने गया था, दो कम मिले भाई, फुल टॉस दे रहा है तब भी तूने दो रन कमी मारा है अभी भी, ठीक है वो भी पैरों पे। अब इस बॉल को मैं कैसे मिस करूं भाई, वाह भाई एकदम टो क्रशिंग यॉर्कर लेग साइड पे, नहीं 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 ना कैच छोड़ेगा, कुछ भी पकड़ लोगे तुम उल्टे सीधे, टाइमिंग सही है अब भी मेरी देख लो, बट डिफिकल्टी अपनी है। सचिन पाई कौन, ये तो चौका है, थोड़ा और रुक के मारा, इस बार रोहित चौका, दो ओवर में 40 रन भाई, ब्रॉड इज हियर और किंग कोहली अभी सामने, पटक के आदिल रशीद, चौका बोलने वाला था मैं, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट कैंसल ब्रदर, कैंसल नहीं नहीं कैंसल, तीन रन, वेरी नाइस भाई, इनसाइड एज लग के गॉन हो गया करियर, ठीक है कोई नहीं, ब्रॉड बॉलिंग करना भाई, तो जिन्हें नहीं पता है मैंने शायद पिछली बॉल पे ही बोला था, लेकिन भाई ये इनसाइड है, लेकिन कैच बहुत अच्छा था भाई, बटुंदर शॉट, रोहित भैया गॉन। ओ भाई मैंने जल्दी जल्दी स्किप कर दिया, लेकिन मैंने देखा युवराज सिंह इज हियर, ब्रॉड वर्सेस युवराज, जो बैटल का तुम वेट कर रहे थे और मैं भी, 6 बॉल 6 सिक्स याद है क्या ब्रॉड, पहली बॉल पे तो मार ही दिया है, बची अभी 3 बॉल ही और इसकी, बट कोई नहीं मारेंगे, 6 छक्के तो नहीं, 4 तो मारो, नहीं अरे नहीं, नो नेवर, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा, ठीक है एक छक्का भी मारा अगली बॉल पे आउट भी हो गए, ब्रॉड वर्सेस युवराज एंड जियर, यार एकदम यूवी पाई की एकदम क्लासिक स्टाइल में फ्लिक था, पिछला वाला भी छक्का उसी स्टाइल में, एक और फ्लिक, लेकिन थोड़ा बैट लेट घूमा, मतलब मुड़ा, मतलब वो थोड़ा क्या रिस्ट वर्क थोड़ा लेट हुआ और थोड़ा अदर हाफ पे लगी, समझ रहे हो ना, वैसे कैच हुआ, मैं समझा रहा हूँ कैसे आउट हुआ, समझ नहीं रहे, 2 बॉल में कोई नहीं हो गया, ब्रॉड वर्सेस युवराज के लिए हम एक्साइटेड, देख लिया हमने एक छक्का, मजा आ गया भाई, धोनी सर आ रहे हैं अब भाई, कोहली और धोनी प्लेइंग टुगेदर, मजेदार चौका, ले भाई इन स्विंग डालेगा, मिड विकेट पे खाएगा, ये बहुत बड़ी बाउंड्री है ना इधर, ओके दो रन, बहुत ही बढ़िया। और भाई एक और स्पेशल अवार्ड निकाला हुआ हमने, जो पहले भी था, मैच का मुजरिम, अगर हम हारते हैं तो हम किसकी वजह से हारे, क्या मैच चेंजिंग पॉइंट था वही बता सकते हो, एंड मैन ऑफ द मैच, अगर हम जीतते हैं तो गेम का मैन ऑफ द मैच छोड़ो, तुम तुम्हारा बताया करो, अगर सेम है तो लिख देने का सेम। अबे विली को दे दियो, और नहीं हाथ मत लगाना, बस ठीक है बढ़िया बच गए, धोनी सर गेट्स ऑफ द मार्क, अरे मॉर्गन कूल लग रहे हो बड़े फूल, निकल जा कैप पे, चला जा भाई, किंग कोहली के ऑन ड्राइव, अबे लॉर्ड्स के आउटफील्ड को वांखेड़े बना दिया था एक सेकंड के लिए, मिलेंगे तब भी दो ही, क्या ही फायदा है, चल बक, अरे तुम एक काम करो स्टंप ही टाक लो दोनों मिलके, हैं बच गए, ये भी स्टंप पे लग के रुकने वाली थी भाई, ये क्या है, अच्छा विली है ना, ये तो स्लोवर ली है भाई, बढ़िया सिंगल, जानबूझ के था ये, हाँ अभी स्लो एक्सपेक्ट करके बैठो तो तेज डाल दी नुबड़े ने, 2 रन मिलेंगे क्या, ओके 2 इजी, हाँ भारतीय दरवाजा विली, ये देखो तुम भारतीय दरवाजा विली देखो, ए तू जल्दी फेंक भाई टाइम नहीं है, लोग 10 सेकंड स्किप कर रहे हैं इधर, ये देखो हाँ, अरे यार भाई क्या एकदम कंचे खेल क्या हो गया वहाँ पे है, एकदम टाक के वहीं मारे जा रहे हो यॉर्कर सीधा, हाँ भाई ये सारी यॉर्कर डालेगा, सोच क्या है, 10 रुपये का प्लान बना क्या है, तो मतलब 6 सिंगल से ज़्यादा कुछ ना आना, भाई कैसे भाग लूँगा, एब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड नेवर, हाँ ले स्ट्रेट ड्राइव खा भाई, आगे स्वाद नहीं बोलता है, 2 ही रन आया, चल निकल
भाई अब तो चौका पड़ा है, सचिन भाई डगआउट में बैठ के शर्मा रहा है, इतनी बढ़िया स्लिप ड्राइव थी, क्या एंगल से दिखाता है, मैं सोचता हूँ रिप्ले देखूंगा, देखना ही नहीं मेरे को अब जाके। चुपचाप सिंगल लेना था पॉइंट, तू बीच में आ गया, अब डर के सिंगल लिया है। सवा किलो स्विंग, आइडियल टाइमिंग थी, रन भाग लिया मैंने, छक्का था ये, पता नहीं कैसे नहीं कनेक्ट हुई। ओ भाई आदिल वाइज यार, हाँ एंड वी आउट बच के। पावर प्ले ले सकता हूँ था वैसे मैं इस ओवर के पहले, सोच रहा नेक्स्ट ओवर लूंगा, नहीं तो मैंडेट हो जाएगा एट्थ ओवर में तो। ओके बस टाइमिंग करनी थी, फील्डर के हाथ में कर दी वो भी, दो रन मिल गए, मौज कर दी, बच गए। हाँ रख लो और रख लो, एक काम करो वहाँ पे एक लेग स्लिप लगा लो। अरे यार भाई सारी फील्ड सारे फील्डर लेग साइड लगा के पैरों पे बॉलिंग कर रहा, पैरों पे भी नहीं, वो दो प्लेयर खड़े रख दो, तीसरे प्लेयर के पैर पे डाल रहा है बॉलिंग। हाँ अरे यार धोनी सर और फाइन खेल लो थोड़ा। हाँ नहीं ठीक है, 81 हो गए 6 ओवर में। भाई ग्रेम स्वान इज हियर, अंपायर के पैरों में घुस गया कैमरा, ठीक है पावर प्ले नहीं लेना, ग्रेम स्वान करियर ग्रेम कर देंगे पूरा भाई, एकदम स्वान ही कर देंगे। अब नेक्स्ट ओवर मैंडेट होगा, जो भी आएगा तब देखेंगे। चुपचाप वापस, ये भी 6 रन का ओवर ही निकलेगा मेरे ख्याल से, पिछला वाला भी 6 का ही निकला। ये फील्ड पे कहाँ मारेगा इंसान, खुद को ही मारना पड़ेगा। हाँ पॉइंट तुम एक काम करो वहाँ पे बिस्तर ले और लेट जाओ, वही किया वैसे, सिंगल भी मिला, इतना फाइन नहीं कि कीपर पकड़ ले। धोनी सर भाई अब जीते हैं कैसे, बहुत हो गई मस्ती भाई, धीरे नहीं खेलने आता पंड्या इस ईयर, मतलब नहीं आता इनको धीरे खेलना। चौका मार दिया दूसरी बॉल पे, पहली बॉल पे घुमाए थे लेकिन करियर घूम गया था पूरा। भाई उधर कौन सा प्लेयर खड़ा है यार, चल ठीक है चौका, हाँ जाने दे रहा है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। भाई प्लंकेट को लाया और एम्पायर आ रहा है हाथ गर्म कर बॉलिंग करने, ऐसा कुछ डायलॉग था अपना बीबीएल में, याद है तुमको, यस 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 बहुत सही है। अब सारे ऑफ साइड में फील्डर रख के भाई कतई हरा, जाने दो यार भाई, पावर प्ले है फ्री हिट नहीं है, हो गए आउट। अरे नहीं ओके ऐसे करके कैच नहीं किया, थैंक यू। नंबर देख लो इनका, एस भाई एक का एक नंबर भाई, क्या है कभी दो नंबर कभी एक नंबर। अच्छा मॉर्गन है, ठीक है नेक्स्ट ईयर आरसीबी में आओ, वैसे ही हार ठीक है निकल जाएगी। उधर तो ऐसे दिक्कत नहीं, वो खुद अंदर खड़े कैप्टन है ना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब आओ आओ जरा, कैप्टनसी की दिक्कत हो रही वैसे भी आरसीबी में। नहीं तुम मत आना भाई, तुम जो भी हो मत आना, मैंने बोला ये और फायदा उठाना है, फायदा क्या करिए। किंग ऑन भाई अच्छी इनिंग खेल के, हाँ ये कर लो तू बाउंसर डाल लो, मैं भाग लूंगा, बहुत हो गया। जड्डू पंड्या साथ में पाए दिया भाई वाइड, हाँ शॉट ऑफ द डे विकेट ऑफ द डे भी बताना रहता, मैं सॉरी बोलना भूल गया था, शॉट ऑफ द डे अभी तक मेरा युवराज पाजी वाला था, जो फ्लेक पहले बॉल पे ब्रॉड को छक्का, जो आज मेन था अपना फोकस, ब्रॉड वर्सेस यूवी पाई, जो हुआ था बहुत लंबा चला, कोई नहीं भाई लास्ट दो ओवर खेल लो भाई पंड्या भाई, धीरे ऐसा धीरे नहीं कि डॉट निकले, हाँ ऐसे नजाकत भरा खेलो पंड्या सर, यस पंड्या भाई जोड़ भाई, 11 बॉल में 19 चाहिए थे, अभी 10 में 15 हो सकते हैं, सब रोक लो भाई, एक काम करो जिंदगी रोक लो, हैं तो भी चार भाग गया हूँ लेकिन क्या फ़ायदा, जाने दिया करो चौका यार भाई, ले खा चौका। ग्रेम मैं बोल रहा था ग्रेम स्वान से नाइन्थ ओवर कौन डलवाता है, मॉर्गन पीछे बोला मैं तो खा चौका ले, मतलब बढ़िया। ये देखो भाई कवर्स पे बहुत अच्छा शॉट पंड्या सर, धीरे नहीं खेलना आता, तो ग्राउंडेड और क्या होता है, ये L1 दबा के सर्कल मारा है, करियर खत्म कर दिया, स्वान ले गए विकेट, धीरे नहीं खेलना आता पंड्या सर, अच्छी इनिंग वैसे भाई, आई एम गोइंग फॉर इट, जड्डू पे भरोसा रख के मैं 10 रन रख रहा हूँ लास्ट ओवर, सिंगल ही लूंगा, अब देखा जाएगा क्या होता है लास्ट ओवर, 10 रन हु इज गोइंग टू बोल, लेट्स सी भाई। आदिल रशीद डाल रहा है लास्ट ओवर 10 रन के, भाई लग गए 10 भाई, खत्म करियर। नहीं यार नहीं कैच नहीं, चलो भाई 4 बॉल में 10 चाहिए, अब बॉलर स्ट्राइक पे चारों चार घुमाऊंगा अब मैं, जड्डू गॉन भाई। भाई ये काम करते हैं, दो आएंगे क्या इधर, अबे इतना ऊपर रखा है फील्डर, कैसे आएंगे दो यार, जाने दो भाई। 3 बॉल 9 रन, लेकिन भूवी को स्ट्राइक पे लाना था मुझे, बेस्ट ऑलराउंडर है बुमराह लेकिन ठीक है। अरे यार भाई दो भागूंगा ये तो मैं, भाई भूवी भाई खत्म कर लो तो बढ़िया, नहीं तो रन आउट हो जाओ, दिक्कत नहीं। अच्छा कर लिया,
दो बॉल 7 रन, अब नहीं खेलना स्वीप, सही में मारना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, बस गैप में निकल जा, ऊपर से निकल जाके चौका चला जाना भाई कुछ भी करके। भाई रॉय का टॉय, थैंक यू बॉय। भाई 3 भाग लूंगा मैं चुपचाप, मैं 3 भाग लेगा मेरे को चलेगा, मैं मारा ही नहीं हुआ मैं, क्योंकि आउट हो जाता कैच तो वैसे ही करियर खत्म। भाई 3 कंप्लीट करो, नाइस भाई। फोर्थ मैच में तुमको सुपर ओवर भी मिल गया, आज टाई हो गया मैच, बहुत अच्छे ब्रो, बहुत अच्छे। बुमराह कौन, अनदर वन, क्या अकेला जा रहे हैं भूवी भाई, अब अपन को सुपर ओवर में पहले बैटिंग करनी है। चलो तो भाई मैंने मेरे 3 बैट्समैन सिलेक्ट कर लिए हैं, धोनी और युवराज सर आएंगे अभी क्रीज पे, एंड 1 डाउन जो 1 विकेट और रहती है सुपर ओवर में, सिर्फ 1 ही विकेट रहती है, उसके लिए हमने रखा है हार्दिक पंड्या को। बहुत टफ चॉइस सर, रोहित शर्मा, विराट कोहली या हार्दिक पंड्या या रविंद्र जडेजा में, बट आई एम गोइंग विद हार्दिक पंड्या। चलो भाई प्लंकेट डाल रहा है यार, मैं पहली बॉल मिस, भाई क्या बॉलिंग कर रहा है यार, मैं कवर्स के ऊपर जाने वाला था, शॉर्ट कवर अप रखा था, इन स्विंगर डाली और खत्म कर दिया। चलो युवराज ऑन स्ट्राइक, वाह 3 बॉल में 1 विकेट 1 रन, चुपचाप 2 लेने, अबे यार सिंगल ही आएगा वो भी रनआउट की अपॉर्चुनिटी है। लास्ट 2 बॉल है, पंड्या ऑन स्ट्राइक, अब क्या होगा, नो बॉल डाली प्लंकेट ने, ठीक है और टाइमिंग भी सही होगी, मार दी थी गैप में, नो बॉल है, वी हैव 1 एक्स्ट्रा बॉल, 7 रन हो गए, 2 बॉल बची। पंड्या सर भाई फुल रिस्पेक्ट, लेकिन 2 छक्के मार दो, 1 फ्री हिट है ये वाली, ये फ्री हिट है भाई, ये मिस मत करना प्लीज। ओके कनेक्ट कर दिए, लेकिन यार बाउंड्री बहुत लंबी है इधर, हट यार 2 ही रन आए, 3 भाग सकता हूँ क्या, अबे यार विकेट भी नहीं गवा सकता। लास्ट बॉल है, 9 रन भाई, 1 कनेक्ट प्लीज यार, 15-16 का टारगेट बहुत अच्छा होगा ये भाई। यार यार गुड टाइमिंग है यार, डिफिकल्टी भाई यार, रख सब रोक लो, अब मैं क्या ही करूँ भाई, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, टाइमिंग मैं ले आया सही। ओ नहीं मारा, 1 एक्स्ट्रा रन निकाल लिया, ओ भाई थैंक यू, 4 रन आ गए, चलो 14 रन्स टू डिफेंड, भाई व्हाट अ थ्रिलिंग मैच यार, आउट ऑफ 700 हो जाएगा भाई एज ए रेटिंग। भाई जेसन रॉय आ रहे हैं अलॉन्ग विथ, ये लोग अभी भी एलिस्टर कुक के साथ ही जा रहे हैं, बट उनने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी तो बढ़िया है। नहीं मैं भूवी भाई से नहीं, लेकिन हम डलवाएंगे बुमराह से, आई बिलीव इन यू ब्रो। ए क्या भाई नहीं आने दोगे, हाँ भाई बुमराह स्कैम मत कर गेम, लगाता हूँ फील्ड अपनी भाई, इस बार बचा लेना भाई प्लीज। चलो भाई लगा ली मैंने फील्ड अपनी हर बार वाली, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ अभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, अपने पास 6 बॉल हैं, 13 रन डिफेंड करने, 1 रन कम ही मानो, 14 का तो टारगेट है, वो भी वापस टाइम होना चाहिए, और पहली बॉल पे नसीब खराब चौका, परफेक्ट स्लोअर यॉर्कर बैक ऑफ द एंड, सिंगल ही मिलेगा डायरेक्ट, टाको भाई तुमने भी कंचा खेले हैं, हाँ बुमराह ठीक है भाई कैच, एक और नसीब खराब भाई, यार मैंने अब भी नहीं कर रखा है कीपर, क्या रोक लो भाई, डॉट बॉल निकलने दो, बस 2 बॉल में 5 रन भाई, अपनी बैटिंग में सिर्फ धोनी भाई ने 3 बॉल में 1 रन मारा, वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई यार, और कुछ नहीं, वरना 1 चौका भी 3 बॉल में मार देते ना बहुत सही हो जाता। चलो कोई नहीं, अभी 2 बॉल में 5 रन है, मैं एक लेंथ बॉल डाल रहा हूँ, मुझे पता है गड़बड़ हो सकती है भाई, एज बचा ली, नसीब कभी तो साथ दिया मेरा, वरना खत्म था, मैं ऑल टैप 4 करने वाला था भाई। लास्ट बॉल, आई एम गोइंग फॉर अ क्रॉस सीम यॉर्कर इन टू द बॉडी या स्टम्प्स में, चलो राउंड द विकेट भी मैं इसीलिए आया था, एज लगी है और जीत गए, प्रॉपर यॉर्कर खोदने चले थे फ्लिक करने, 4 रन से जीते, इंडिया इनविंसिबल्स वॉन इन अ सुपर ओवर। हाँ ये कर लो डेप्थ ऑफ फील्ड तुम्हारी भाई, ये 2 चौके, मुझे जो गुस्सा है ना आज तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बट भाई व्हाट अ मैच, गूज़बम्प्स भाई, तुम पता नहीं कैसे देख पाओगे यार, बहुत खतरनाक मैच था भाई, बेस्ट मैच टिल नाउ IFL में, आगे और अच्छे बहुत होने, अभी 4th एपिसोड तक इतना मजा, आगे कितना आएगा, एक बार बाहर तुमको स्टेटिस्टिक्स और आज पॉइंट्स टेबल भी दिखाता हूँ, मैं हर बार भूल जाता हूँ। बहुत बढ़िया मैच, मैन ऑफ द मैच इनके हिसाब से जेसन रॉय, तुम्हारे हिसाब से कौन था वो बता दो भाई, बाकी अभी बाहर देखते रुको। तो गाइज ये यहाँ पे तुमको पूरा एक दिख रहा है, बैटिंग में हाईएस्ट स्कोर ब्रेंडन मैकलम, बॉलिंग में हाईएस्ट विकेट टेकर ब्रेडली 4 विकेट के साथ, प्लेयर ऑफ द सीरीज में ब्रेंडन मैकलम ऑन टॉप, मैकलम ऑन टॉप 319 पॉइंट्स के साथ, और टॉप परफॉर्मर में ब्रेंडन मैकलम 97 नॉट आउट के साथ भाई, और हाईएस्ट विकेट में तुम 2nd, 3rd, 4th देख सकते हो इंडिया वाले, बाकी तुम अच्छे से देख लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट मैच रिवील हो गया कौन सा, लेकिन चलो देख लो इस बार, मैं वैसे बता नहीं रहा था कि थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए, वेस्ट इंडीज के सामने मैच भाई बहुत लगने वाली है, उनकी लाइनअप तुम स्क्वाड देखो तुम्हें पता चलेगा क्या
समय से बेस्ट लाइनअप बन रही है। और ये है पॉइंट सेवन, इंडिया ऑन टॉप विथ 4-4। ये मैच तो भाई हार के मुंह से ऐसे निकाला है और जीते हैं भाई। सेकंड पे इंग्लैंड ईगल्स ही हैं जो अभी तक अनबीटन थे, इंडिया ने हराया भाई। और एक बार ये भी देखना डिटेल्ड, तुम देख सकते हो रोहित शर्मा मुझे दिख रहा है टॉप 10 में, और इधर भी तुम बॉलिंग में देख सकते हो इंडिया के वही 4-5 बॉलर जो भी है सभी हैं टॉप 10 में। चलो सो चलो गाइस, देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अपन बहुत जल्द स्ट्रीम में। आओ यार, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर 177K सब्स, और जिन्होंने लाइक किया सब्सक्राइब किया सबको थैंक यू, बाय बाय।